हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस टाइप की डीपी लाइट जो है ये चार्ज नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए लगाया गया, चार्जिंग इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप सबसे पहले इसको खोल दीजिए। खोलने के बाद देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर को, ये जो पीएफ लगा होता है ये देखिए लीक कर गया है, जल गया। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको इसको रिप्लेस कैसे करना है। आप चाहो तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं बिना इसको खोले, लेकिन मैं इसको खोलने का तरीका भी आपको बता दिया। इस तरह इसको बाहर तरफ खींचना है, ठीक है, अच्छे से। थोड़ा सा समय लग सकता है अगर ये डायरेक्ट नहीं निकले तो कोई पतला चीज से ऐसे, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको। उसके बाद इसको कोई भी प्लायर या ट्वीजर, चिमटी से भी आप खोल सकते हैं इसको। चिमटी से नहीं खुलता तो मैं प्लायर का यूज करता, ठीक है, नोज प्लायर या फिर नॉर्मल प्लायर, किसी से भी कोई भी प्लास्टिक का यूज करके आप खोल सकते हैं इसको। ठीक है, जब ये खुल जाए पूरे अच्छे से इसको खोलिए ऊपर करके। खुल जाने के बाद आप इसको हटा लीजिए, अलग रख दीजिए ताकि ये बाहर निकालिए। लग गया बुरी तरह से, ये क्रैश कर चुका है। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पे गौर करना है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, देखिए ये जो जे करके लिखा था, आप इसको देखना है आपको। ठीक है, 400 वोल्ट दिख रहा है इधर, 400 वोल्ट ये दिख रहा है आपको, और देखिए 225 225 जे और 400 वोल्ट ये आपको दिख गया प्रॉपर। तो आपको जो लगाना है, ठीक है, जो भी पीएफ ट्यूब डालना है आपको इसी वैल्यू के आसपास डालना है। ठीक है, तो मैं इसमें देखता हूँ कि आपको इस वैल्यू के आसपास कौन सा, जैसे सब में जिसमें दिखे वही लगाइए। ये सब 2000 वी का है, ये सब नहीं लगेगा, ये सब कलर टीवी में यूज होता है, ये भी कलर टीवी में यूज होता है। ये है 400 वी है, ठीक है, ठीक है, 400 वी है और 300 समथिंग ये जे है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप 400 वोल्ट का ही डाले, ये 325 डाल सकते हैं, 300 डाल सकते हैं, 350 डाल सकते हैं, 400 तक भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इसके आसपास। वोल्ट तो एकदम इतना ही हो जाए, वोल्ट 400 है तो आप 250 वोल्ट मत डालिए, वोल्ट तो 400 डालिए ही डालिए, लेकिन जो जो 225 जे है यानी 225 जे जो है इसको आप कुछ कम या कुछ अधिक लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप दो लेग है तो आप पीछे का जो रांगा यानी शोल्डर वायर लगा हुआ है इसको हटा के लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इस तरह आप लगा, नॉर्मली ऐसे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लगाइए, थोड़ा सा अंदर डालिए, उसके बाद यहाँ पे करिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा लेग होते इसमें तो हमको क्या करना होता, इसको डिसोल्ड करके इसको रंगा पूरा हटाना पड़ता है, या ब्रश से या डिसोल्डर वायर से। ठीक है, अब देखिए हो गया, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये जो सप्लाई थी। देखिए ये LED चलने लगी है। ठीक है, जैसे मैं सप्लाई निकाल रहा हूँ, गौर करिए, देखिए थोड़ा सा ऊपर से देखिए लाइट को देखिए, लाइट अभी जल रहा है। जैसे मैं सप्लाई दिया, देखिए ये जलने लगा और वो ऑफ हो गया। ठीक है, ये ऑफ हो गया और ये जलने लगा। ठीक है, दूसरा चीज आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक हटाया। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं या फिर आप स्पार्किंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पार्किंग मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है, स्पार्किंग मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्पार्किंग मिल रहा है, हल्का स्पार्किंग मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है, 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो बस आपको जब चार्ज नहीं हो तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे सप्लाई निकालता हूँ, ये LED पर आप गौर करिए, देखिए ये निकला और वो जल गया। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देर से चार्ज था, आप लगा के छोड़ दीजिए, निश्चित तौर पर ये चार्ज होगा। तो जैसे जैसे आपने इसको खोला, फिर से आप इसको असेंबल कर लीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।